गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और जैसे आपको पता है, हम चकराता से 10 किलोमीटर पहले ही कॉटेज में रुके हुए हैं। बच्चों का नज़ारा ये, अभी निन्नी चल रही है और मेरी चाय बैठ के सामने पर आ कर रखी गई है। और काफ़ी मन लग रहा है, बच्चों ने खूब इंजॉय किया और हमने बड़ों ने भी बहुत इंजॉय किया। गपशप करते रहे सारे बैठ कर, रात को 12 बजे तक बहुत मज़ा आ रहा था। और सुबह का नज़ारा दिखा देती हूँ। सुबह के टाइम सारे बच्चे सब धीरे धीरे अपने रूम से निकल निकल के आने लग रहे हैं। मेरी अभी सो रही है, लवी आ गया है। हमारी तीनों की शैडो, और ये अक्षी, यहाँ पे लवी, और यहाँ पे पहाड़। और अभी हम अपने कॉटेज से निकल के यहाँ पर आ गए हैं घूमने के लिए। और निकलते ही यहाँ पे मंदिर है, भगवान जी को प्रणाम। और कितना अच्छा व्यू है, रोड इधर नीचाई पे और इधर ऊंचाई पे जा रही है, और पहाड़। ये है कृष्णा कॉटेज। रात को खूब सारी मस्ती करने के बाद हम सो गए थे, लेकिन रात को ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आगे कहाँ जाना है। आज घूमने की प्लानिंग है नेक्स्ट डे, लेकिन अभी ये नहीं पता कि जाएंगे कहाँ। तो ऑप्शन थे हमारे पास, या तो टाइगर फॉल या फिर धनोल्टी। अब देखते हैं कि कहाँ जाना है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ये बता लो भी कौन कहाँ जाना है, टाइगर फॉल या धनोल्टी, बोलो। टाइगर फॉल। ओके, टाइगर फॉल अभी पर पक्का पता नहीं है। जहाँ सबका मोहर लग जाएगी वहीं जाएंगे सब। अभी धूप से ही पता चल सकता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, और टेम्परेचर अभी पता नहीं हो रहा होगा, 20 से भी ऊपर हो रहा होगा, क्योंकि सुबह उठते बहुत तेज़ सूरज है। और चलने की हो गई है तैयारी, गाड़ी में सारा सामान हो गया है और सब नहा वहा के निकलने लग रहे हैं। और हम तो जाएंगे टाइगर फॉल, और शायद जो हमारे साथ दूसरी फैमिली है वो शायद ऋषिकेश निकलने वाले हैं। और चलते हैं, रात तो पूरी फैमिली के साथ बहुत मज़ा आएगा, लेकिन अब हम डिवाइड हो जाएंगे, हमें टाइगर फॉल जाना है। और बच्चे टाइगर फॉल में नहाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग में नहाए नहीं, बोल रहे थे वहीं नहाएंगे। अगर पानी ठंडा हुआ तो मीठी क्या होगा, नहा लेगी तब भी है नीचे नीचे पैर धुल के आएगी। और लवी, आप नहा लोगे इतने ठंडे पानी में? घर में तो नहाता है गर्म में, कह रहा हाँ। वहाँ पे डैड ने कल उसमें खड़ा करा था। आप भी नहाओगे ठंडे पानी? देखते हैं, सबका देखना ही है कि अभी पहले देखते हैं कि वहाँ पे पानी कितना चिल होगा या नॉर्मल होगा। गर्मी तो बहुत है बाहर, धूप बहुत तेज है, बट वो है भी कह रहा है मैं तो ज़्यादा गर्मी वर्मी ना हूँ। और टाइगर हिल का रास्ता ये रहा, कुछ वैसे इतना चेंज वेंज तो कुछ नहीं हुआ, बस प्लांट्स उस टाइम पे थोड़े कम ग्रीन से थे, अब बहुत ज़्यादा ग्रीन है। पिछली बार रोड बहुत डैमेज थी, शायद उसकी उम्मीद है कि वो ठीक हो गई होगी, क्योंकि उस टाइम पे ना काम चल रहा था बहुत, तो 100% हो गई होगी। बिल्कुल अच्छे पहाड़ हो गए हैं, अब ग्रीन हो गए, सारी ग्रीनरी से ढक गए।
हल्की ओस सी दिखाई दे रही है पत्तियों में। चक्राता मुझे इसीलिए पसंद आता है, बच्चों को आओ अगर रिलैक्स करने आ रहे हैं ना, ज़्यादातर हम हिल स्टेशन पे क्यों जाते हैं, क्योंकि रिलैक्स और ठंडा, ठंडा यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा है। रात में दिन छिपना स्टार्ट हुआ था, हम तो चक्राता से नीचे थोड़ा रुके हुए थे 10 किलोमीटर दूर पहले, लेकिन दिन छिपते छिपते इतना अच्छा वेदर हो गया था, तुरंत चेंज हो गया सब कुछ। वाह ये पहाड़ बड़ा अच्छा है। चक्राता में मन तो लग रहा है ना ट्रैवल करते हुए, रोड वगैरह सारी चीजें। लव्या कहाँ छुप रही, दिखाई ना दे रही, तेरा क्या है, मन लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। आओ यार, अपना गर्मियों में तो पहाड़ सबसे सही है, एटलीस्ट आपको एक वेदर चेंज मिल जाता है। अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट में हमने रोक लिया है, अभी ब्रेकफास्ट करना है। और यहाँ से इस रेस्टोरेंट का रास्ता, छोटा सा गेट, स्टेयर्स, और इस रेस्टोरेंट से व्यू सारा इतना अच्छा है। नीचे शायद रूम वगैरह भी अवेलेबल होते हैं यहाँ, यहाँ मिट्टी वाला रास्ता। लवी लेगा थोड़ी सी, यहाँ की किचन। चलो अंदर चलो मिठी, बैठो। इधर की साइड से किचन ऐसी, लवी यहाँ टहलता हुआ, इधर का बाहर का व्यू। हाँ जी, पहाड़ों, हाँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी से आ रही है, बने रहिए चैनल पर।